ये दास्ता है वीर योद्धा महान मराठा पेशवा पेशवा बाजीराव बल्लाड। यूं तो इतिहास इन्हें पेशवा बाजीराव बल्लाड के नाम से जानता है। लोग इन्हें प्यार से राऊ बुलाया करते थे। अगस्त 1700 से लेकर अप्रैल 1740 तक का ये छोटा सा जीवन एक महान जीवन साबित हुआ। बाजीराव के हाथों मराठा साम्राज्य का ऐसा विस्तार हुआ जिसने इतिहास में एक अलग जगह बनाई। इनका जन्म मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहू के पहले पेशवा थे और इनकी मां का नाम राधाबाई। बाजीराव साहेब के एक छोटे भाई भी रहे, नाम चिमाजी अप्पा। शुरू से ही यह होनहार योद्धा अपने पिता के साथ लड़ाइयों पर जाता और 1720 में जब पेशवा विश्वनाथ का निधन हुआ तब मात्र 20 बरस के राव को पेशवा की गद्दी पर बिठाया गया। चूंकि एक नौजवान अब पेशवा बना था इसकी वजह से कुछ वरिष्ठ लोग नाराज भी हुए। एक तरफ निजामुल मुल्क अपनी सल्तनत बढ़ा रहा था तो दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य की जड़ें जरा कमजोर होती साबित हो रही थीं। यह वो वक्त था छत्रपति शाहूजी महाराज महाराष्ट्र के सातारा शहर से राजकाज देखा करते थे। पेशवा बाजीराव आए और फिर राजधानी बनी पुणे। बाजीराव पेशवा ने 40 युद्ध लड़े और इन सभी में इन्होंने विजय श्री को प्राप्त किया। यह बात भी मशहूर है 1728 दिसंबर के महीने में बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पर मोहम्मद खान बंगश ने चढ़ाई कर दी थी। बाजीराव उस वक्त मालवा इलाके में व्यस्त थे पर जब मदद की गुहार आई इनके पास तो ये पहुंचे राजा छत्रसाल की मदद करने। अपने चातुर्य और रणनीति से पेशवा बाजीराव ने वो काम कर दिखाया जो कि नामुमकिन लग रहा था। बुंदेलखंड वापस छत्रसाल को मिल गया और यहां से वो कहानी शुरू हुई जिसे हम बाजीराव मस्तानी की कहानी के रूप में जानते हैं। बाजीराव का पहला विवाह काशीबाई से हुआ था। इस शादी से इन्हें दो बेटे हुए, नाना साहेब और रघुनाथ राव। नाना साहेब आगे जाकर बालाजी बाजीराव के नाम से पेशवा की गद्दी पर पहुंचे और दूसरा विवाह हुआ इनका राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी के साथ। मस्तानी के लिए इन्होंने मस्तानी महल भी बनवाया जहां एक तरफ इनकी पहली बीवी इनकी माँ और सभी बाकी के लोग रहते थे जिसका नाम था शनिवार वाड़ा। वहां पे मस्तानी को आने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इतिहास ने बताया कि परिवार ने मस्तानी को कबूला नहीं था। और दूसरे विवाह से बाजीराव को बेटा हुआ, नाम रखा गया कृष्णा राव जो कि बाद में शमशेर बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शमशेर बहादुर भी वीर मराठाओं के साथ पानीपत के युद्ध तक कंधे से कंधा मिला के लड़ा। मात्र 27 बरस की उम्र में शमशेर बहादुर गुजर गए। पर जब हम पेशवा बाजीराव की जीवन की तरफ देखते हैं तो ये एक प्रेरणा की मूर्त बने नजर आते हैं। मात्र 39 बरस की उम्र में ये दुनिया छोड़ चले गए। ऐसा बताया गया कि निजाम और मुगलों की कमर तोड़ने के बाद तकरीबन 1,00,000 सैनिकों के साथ ये इंदौर के नजदीक खरगोन जिले में गए थे जहां पे इनकी तबीयत खराब हो गई और रवेरखेड़ी जो कि नर्मदा नदी के नजदीक है वहां पे इन्होंने दम तोड़ दिया। पेशवा बाजीराव के गुजरने के कुछ दिन बाद ही इनकी दूसरी बीवी मस्तानी का भी निधन हो गया और इनकी पहली बीवी काशीबाई ने पेशवा बाजीराव और मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर को अपने बच्चे की तरह पाला। ये दास्ता है वीर।